आप देख रहे हैं लोक सेवा न्यूज, मैं हूं आपके साथ रजत त्रिपाठी। उत्तर प्रदेश में एक 4 दशक पुराने कानून की वजह से मुख्यमंत्री और सभी मंत्रियों का इनकम टैक्स सरकारी खजाने से भरा जाता है, क्या आपको ये मालूम है? क्योंकि इसमें उन्हें गरीब बताते हुए कहा गया है कि वे अपनी कम आमदनी से इनकम टैक्स नहीं भर सकते हैं। हालांकि चुनाव के दौरान जमा किए जाने वाले शपथ पत्रों को देखें तो पता चलेगा कि इनमें से कई मंत्रियों के पास करोड़ों की चल अचल संपत्ति होती है और महंगी गाड़ियों में वे लोग चलते हैं। अमीर नेताओं का भी टैक्स चुकाने वाला यह राज्य सबसे गरीब प्रदेशों की सूची में से एक है। उत्तर प्रदेश मिनिस्टर सैलरीज अलाउंसेज एंड मिसलेनियस एक्ट 1981 में बनाया गया था, जब वीपी सिंह मुख्यमंत्री थे। उनके बाद से राज्य में 19 मुख्यमंत्री बदले गए, लेकिन यह कानून अपनी जगह कायम रहा। वीपी सिंह के बाद समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव, बहुजन समाज पार्टी की मायावती, कांग्रेस से नारायण दत्त तिवारी, वीर बहादुर सिंह, बीजेपी से कल्याण सिंह, राजनाथ सिंह, राम प्रकाश गुप्त और अब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने। यही नहीं, अलग-अलग दलों के करीब 1000 नेता भी इस कानून के अस्तित्व में आने के बाद मंत्री बन चुके हैं। विधानसभा से बिल पास किए जाने के दौरान तत्कालीन सीएम और पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने कहा था कि राज्य सरकार इनकम टैक्स का बोझ उठाए, क्योंकि अधिकतर मंत्री गरीब हैं और उनकी जो आमदनी है वो बहुत ही कम है। एक्ट के एक सेक्शन में कहा गया है कि सभी मंत्री और राज्य मंत्रियों को पूरे कार्यकाल के दौरान प्रतिमाह 1000 रुपये सैलरी मिलेगी। सभी डिप्टी मिनिस्टर्स को प्रतिमाह 650 रुपये मिलेंगे। इसमें कहा गया है कि उपखंड 1 और 2 में उल्लेखित वेतन टैक्स देनदारी से अलग है और टैक्स का भार राज्य सरकार ही उठाए। पिछले 2 वित्त वर्ष से योगी आदित्यनाथ सरकार के मंत्री भी सरकारी खजाने से ही टैक्स भर रहे हैं। इस वित्त वर्ष में योगी आदित्यनाथ और उनके मंत्रियों का कुल टैक्स 86 लाख रुपये का था, जो सरकार की ओर से ही दिया गया है, अर्थात चुकाया गया है। उत्तर प्रदेश के प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस संजीव मित्तल ने इस बात की पुष्टि की कि 1981 के इस कानून के तहत मुख्यमंत्री और उनके मंत्रियों का टैक्स राज्य सरकार की ओर से भरा गया है। यूपी के सीएम की सैलरी पता है आपको? 3,65,000 रुपये सैलरी उनको मिलती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का जो मासिक वेतन होता है वो 3,65,000 रुपये का होता है। इसमें भत्ते भी शामिल हैं। किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री का वेतन उस राज्य की विधानसभा ही तय करती है, केंद्र सरकार या संसद का इससे कोई लेना देना नहीं होता है। मुख्यमंत्री का वेतन हर 10 सालों में बढ़ जाता है। जिस तरह भारत में विधायकों के वेतन में महंगाई भत्ता और अन्य भत्ता शामिल होता है, उसी तरह मुख्यमंत्री के वेतन में भी ये सारे भत्ते शामिल होते हैं। तो उम्मीद है इस जो एक्ट था, ये जो विधेयक था, इस पर सरकार कोई कदम लेगी और कम से कम सरकारी खजाने का उपयोग अपने इनकम टैक्स भरने में तो नहीं करेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए लोक सेवा न्यूज।